हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू आवर चैनल देसी फूड ब्लॉगर। और जैसा कि आज आपने टाइटल में पढ़ ही लिया है कि आज का वीडियो होने वाला है बहुत स्पेशल, क्योंकि आज हम खाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मैगी। जी हाँ, आज हम खाएंगे सुबह नाश्ते में मैगी, दोपहर को खाने में मैगी, शाम को नाश्ते में मैगी, और तो और रात को खाने में भी मैगी। लेकिन मैगी की वैरायटी चेंज होती रहेगी, तो उसके हिसाब से हम दिखाते हैं आपको। ये है हमारे पास कुछ मैगी के प्रोडक्ट्स, ले देंगे आपको आप देखिए। तो ये है हमारे पास कुछ मैगी के प्रोडक्ट्स। तो इसमें है हमारे पास एक मैगी पास्ता, तो सबसे पहला प्रोडक्ट ये है। और ये है मैगी वेज आटा नूडल्स। इसमें दो है हमारे पास सिंपल मैगी, मसाला मैगी, और एक है स्पाइसी मैगी। तो टाइम टू टाइम सब ट्राई करेंगे, सुबह नाश्ते में, दोपहर खाने में, शाम को नाश्ते में, और रात को खाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी कौन सा बनाऊँ, कुछ सुबह का टाइम है, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 लगभग। आज थोड़ा लेट उठा था, छुट्टी चल रही है। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं स्पाइसी नूडल्स, कुछ चटपटे से शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं किचन में, बनाते हैं स्पाइसी मैगी नूडल्स। तो भैया हम आ गए सीधा किचन में, और सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लेकर उसमें प्याज और देसी घी को फ्राई करना शुरू करा है, और पानी डालकर जब पानी उबल जाता है फिर उसमें मैगी मसाला मिलाते हैं, और तब थोड़ा और पानी उबलने का इंतज़ार करते हैं, फिर इसमें हम स्पाइसी मैगी को डालते हैं। ये वाला जो मैगी बना रहे हैं हम, ये स्पाइसी मैगी नूडल्स हैं, नॉर्मल मैगी नूडल्स से थोड़ा अलग फ्लेवर होगा इनका, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो देखते हैं, अब इसमें पानी उबल चुका है, अब इसमें मैगी डाल देते हैं। वो सिर्फ कहने वाली बात है कि 2 मिनट में बन जाती है, लेकिन मैगी कभी भी 2 मिनट में बनती ही नहीं। तो अब थोड़ा इंतज़ार करते हैं इसके पकने का। अब मैगी काफ़ी अच्छी दिख रही है, मैगी बस ऑलमोस्ट पक चुकी है, और 1-2 मिनट और लगेंगे बस। तो हमारे मैगी नूडल्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं कि मस्त भूख लग रही है, टाइम हो गया है, 11 बज गया है। तो सुबह का नाश्ता स्पाइसी मैगी नूडल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और खाना देखते हैं कैसे हैं। शायद आपको धुआं उठता दिख रहा हो बहुत, अभी अभी बना के लाया हूँ। यूजुअली मैं मैगी को ज्यादा खाता नहीं, फीस से अच्छा मैं बाजार के ज्यादा प्रीफर करता हूँ, लेकिन चैलेंज है तो करना तो पड़ेगा ही। मसाला मैगी से बहुत अलग टेस्ट है, स्पाइसी मसाला मैगी से ज्यादा है, लेकिन नॉट दैट मच स्पाइसी। अगर आप लोगों ने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्यादा जल्दी से फॉलो कर दीजिए, और हमें वहां पर बताइए कि अगला चैलेंज आप क्या देखना चाहेंगे, हम वही चैलेंज करेंगे नेक्स्ट। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और आप में से जो जो भी मैगी लवर है, प्लीज लाइक बटन इधर ही है, लाइक बटन जरूर दबा देना। मैं तो प्रेफर करूंगा, मसाला मैगी से बहुत टेस्टी है भाई, स्पाइसी मैगी सिंपल मसाला मैगी से बहुत टेस्टी है। अगर आप लोग मुजफ्फरनगर से हैं, या मुझे पता नहीं कोई स्पेसिफिक जगह पर फूड रिव्यू देखना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ आपका रिव्यू देखना चाहेंगे आप।
करवा लेता हूँ मैं, तो थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग करवा है मेरे को, तो करते हैं। इस वीडियो को पूरा देख रहा है, इसमें एक बीच में सब्सक्राइब है, आधा हिंट आपको वीडियो के बीच में मिलेगा और पूरा हिंट वीडियो के एंड में मिलेगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत स्पेशल है ये वीडियो। नाश्ता तो हो गया है, पेट भी ऑलमोस्ट भर गया है, सुबह का काम चल जाएगा एटली, तो अब थोड़ा एडिटिंग का काम करते हैं, अब मिलते हैं आपको सीधा दोपहर में। वेलकम बैक गाइस, और अभी दोपहर के बज रहे हैं लगभग 9, तो अभी अभी वीडियो एडिटिंग फोटो एडिटिंग सब करके बैठा हूँ, तो थोड़ी थोड़ी भूख लगी, लंच का टाइम भी हो गया, तो चलिए कुछ बनाते हैं, चैलेंज को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो भैया अब हो गया है लंच का टाइम और हम आ गए हैं सीधा किचन में। सबसे पहले पास्ता का पैकेट लेते हैं, उसमें से पास्ता सॉस मेकर और निकालते हैं, एक कढ़ाई में पानी गर्म करते हैं और उसमें पास्ता सॉस मेकर का पाउच का सारा मसाला डालते हैं। इसमें हमें तीन चार तरह की वेजीज भी देखने को मिलती हैं, बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं वेजीज के और पीस हैं। जब ये सॉस बनकर थोड़ी ठीक हो जाती है उसके बाद हम इसमें पास्ता डालेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है पास्ता की और ये रवा और सूजी का बना पास्ता है, तो इसलिए डाइजेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा इन द कंपैरिजन ऑफ मैदा पास्ता। सो देखते हैं कैसा है और अब आपको मिलते हैं सीधा अंदर। तो अब आ चुके हैं हम लंच के लिए और हमारा पास्ता रेडी है, देखने में पास्ता बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, तो ट्राई करते हैं, भूख बड़ी तेज लग रही है। सो पहले पास्ता की खास बात है, ये पास्ता सिर्फ सूजी और रवा का बना हुआ है, मैदा नहीं है इसमें, डाइजेशन में दिक्कत नहीं होगी सर। The taste is also nice. Desi flavors are there. Taste काफी अच्छा है, थोड़ा Italian touch के साथ desi flavor. हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी अभी तक, तो मैं यहाँ पर आई बटन दे दूंगा, उस पर जाकर आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, और भी काफी वीडियोस हैं, आप देख के जाके चैनल पे, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। रात के 8:30, अभी भी मेरा काम खत्म हुआ है, तो
भूख तो लगना लाजमी है, तो वैसे मेरा मैगी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, बट चैलेंज है तो इस वजह से करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं किचन की साइड, बट आप लोग वीडियो पूरा देखेगा। वीडियो के एंड में होने वाला है बहुत कुछ स्पेशल, बहुत स्पेशल कुछ बताने वाला हूँ मैं आपको, तो वीडियो को पूरा देखेगा। आप चलते हैं किचन की। तो भैया अब हम दोबारा किचन में आ गए हैं और हो गया है डिनर का टाइम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में प्याज सोते करी है, घी में और पानी डाल रहे हैं। अब मैगी मसाला का एक एक्स्ट्रा पैकेट डाला है मैंने, अब मैगी मसाला भी डालेंगे इसमें। और पानी गर्म होने पर इसमें मैगी मिलाते हैं। ये है नॉर्मल मैगी, जो रेगुलर मैगी होती है। तो गाइस हमारी मैगी आ चुकी है। खाने का वैसे मैगी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, बट भूख लग रही है, वो चैलेंज है तो करना पड़ेगा। तो खाते हैं, देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है मैगी। वैसे मुझे कुकिंग करनी नहीं आती, बट अपने लायक फास्ट फूड में सब बना लेता हूँ। मैगी भी अच्छी बनी है। एक मैं आपको स्पेशल चीज बताने वाला हूँ, आप हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिए और उसमें से एक लकी बंदा हम सिलेक्ट करेंगे और उसके साथ एक वीडियो शूट करेंगे आगे चल के एक किसी रेस्टोरेंट की, और वो बंदा हमारे चैनल पर फीचर होगा। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक और YouTube पर सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, प्लीज कर दो। तो खाने के शौकीन हो यार, मुझे मुजफ्फरनगर वाले तो वैसे ही खाने के शौकीन है, कर दो यार। तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताना आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। नेक्स्ट वीडियो भी बताइए किस चीज पर बनाया, फूड रिव्यू करें कहीं बाहर रेस्टोरेंट का, या फिर ऐसी फूड चैलेंजेस करें। तो फूड चैलेंज करें तो अभी किस चीज का करें फूड चैलेंज, ये जरूर बताइए। और अगर आपने हमारे श्रीराम स्वीट्स के समोसे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और देखिए यार, सबसे फर्स्ट वीडियो है वो हमारी। उसके बाद काफ़ी और वीडियोस आ चुकी हैं, जैन खस्ता की वीडियो है, शालू चाउमीन की वीडियो है, वो भी वीडियो है, मोमो शॉप की वीडियो है गांधी कदोनी की, देखिए यार। आज मम्मी ने डबल मखनी दाल बनाई, फिर भी मैगी खानी पड़ गई यार। चैलेंज कंप्लीट, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ मैगी खाई है, और मुझे लगता है कि कल पेट पक्का खराब होने वाला है। तो चैलेंज तो यही खत्म होता है। आप बताइएगा हमें अगला वीडियो किस चीज का बनाया,
और किस टॉपिक पर बनाए, कहाँ का बनाए, और जो स्पेशल चीज थी वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो कमेंट जरूर करिएगा, हम एक बंदे सेलेक्ट करेंगे, जो भी विनर होगा वो हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसके साथ बेस्ट फ्रेंड का रिव्यू करेंगे। तो कमेंट जरूर कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा देना साइड में, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर दो, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट हमारी मिलती रहे। सो स्टे ट्यून्ड, बाय।